Individual commitment to a group effort is what makes for a team work, a company work, a society work, an organization work. सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित आदरणीय मैम को हमारे समूह की ओर से सादर प्रणाम तथा एमएड एवं एमए के सह शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संस्कृति केशरी है। मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा हूँ तथा मैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा के सिफारिशें विषय पर अपने प्रस्तुतिकरण पर कुछ बिंदुओं को प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले विभिन्न प्रकार के वंचित वर्ग के बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा जहां विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के व्यक्तिगत विकास, रोजगार एवं पुनर्वास हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। अतः समावेशी शिक्षा को हम एक आधुनिक सोच की तरह समझ सकते हैं जो शिक्षा को अपने संकुचित दृष्टिकोण से अलग करती है और इसे व्यापक एवं विस्तृत रूप प्रदान करती है। जैसा कि यहाँ उपस्थित सभी जनों को विदित है कि गत वर्ष 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुमोदित किया था। इस प्रतिवेदन में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्याप्त पांच मुख्य चुनौतियां पहुंच, समानता, गुणवत्ता, संवहनीय विकास तथा जवाबदेही को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव दिए गए थे। यहाँ समानता के अंतर्गत शिक्षा में समावेशन से संबंधित विभिन्न सिफारिशों को प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रथम बिंदु में किसी बच्चे के सीखने में उसकी पृष्ठभूमि बाधा ना बने। यदि हम सामाजिक न्याय एवं समानता प्राप्त करने की बात करते हैं तो इसका सबसे प्रभावी साधन शिक्षा है और यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को आगे लेकर बढ़ती है जिससे किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक ना बने तथा स्कूली शिक्षा में पहुंच, सहभागिता तथा सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना शिक्षा क्षेत्रों के विकास कार्यों का मुख्य लक्ष्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण दर को बढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर पर सन 2016-17 में लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के थे जबकि माध्यमिक स्तर पर यह घटकर 17.3% हो गया था। नामांकन में यह गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा दिव्यांग बच्चों के लिए अधिक गंभीर है और प्रत्येक श्रेणियों में छात्राओं के नामांकन में स्थिति और भी गंभीर है। इसलिए ऐसे बच्चों की पहुंच, भागीदारी व अधिगम परिणामों के अंतरालों को पूरा करना तथा नामांकन में जो कमी आई है उसके मूल कारणों को चिन्हित करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य होगा। अगले बिंदु में शिक्षा में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। स्कूल व उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। यह नीति इन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करने के महत्व को स्वीकार करती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिले। यह शिक्षा नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए तंत्र बनाने की बात करती है। अगले बिंदु में देश की सभी बालिकाओं एवं ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व न्याय संगत शिक्षा देने के लिए
क्षमता विकास हेतु एक जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य लिंग या अन्य कारणों से वंचित समूह के लिए शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पहुंच में रह गई असमानता को समाप्त करना है। प्रस्तुतिकरण के अगले बिंदु को प्रस्तुत करने के लिए मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा मिस अंजलि को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संस्कृति। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार हैं। ऐसे स्थान जहां विद्यालय जाने में छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां पर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को मजबूत बनाया जाएगा। वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय विद्यालयों व अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में प्री स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा। सीखने में अक्षम छात्रों के लिए परख राष्ट्रीय केंद्र का प्रस्ताव। सीखने में अक्षम बच्चों की अक्षमताओं की पहचान करने व निवारण करने की योजना बनाने में छात्रों की मदद की जाएगी। इसके लिए बच्चों को अपनी गति से काम करने की छूट देना, पाठ्यक्रम को सक्षम व लचीला बनाना तथा उपयुक्त आकलन व प्रमाणन की व्यवस्था करनी होगी। परख नामक प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र इस दिशा में कार्य करेंगे। SEDG के पूर्ण समावेशन के लिए विद्यालय संस्कृति में बदलाव। SEDG अर्थात सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों के पूर्ण समावेश व समता प्राप्त करने के लिए विद्यालय की संस्कृति में बदलाव भी जरूरी है। स्कूल शिक्षा प्रणाली को सभी प्रतिभागी छात्रों की जरूरतों, समावेशन, समता, सम्मान व निजता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस तरह की शैक्षिक संस्कृति छात्रों को सशक्त बनाने में मदद करेगी। दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने संबंधी जागरूकता और ज्ञान के लिए सभी शिक्षक प्रशिक्षकों को होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु असमानता को दूर किया जाए। स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी SEDG के सभी प्रतिभाशाली व मेधावी छात्रों के लिए विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम व फीस माफी एवं छात्रवृत्तियों की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रेजेंटेशन के अगले कड़ी में मैं श्री शिवराज मिश्र को आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी। हम देखते हैं उच्च शिक्षा में समस्त संस्थाओं द्वारा समता तथा समावेशन हेतु कदम उठाए जाने की जो सिफारिशें की गई हैं। उच्च शिक्षा में एक्सेस, पार्टिसिपेशन और आउटकम्स के बीच जो अंतर है उसे दूर करने के लिए प्रयास करने की अपेक्षा है। प्रवेश परीक्षाओं को समावेशी बनाना, इसके लिए NAAC और परख गाइडलाइंस डेवलप करने के लिए और असेसमेंट टूल्स डेवलप करने के लिए सिफारिश की गई है, जिससे समावेशी एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप किया जा सके। NEP 2020 से पूर्व भी अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है रही है, उसमें हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा माध्यम का विकल्प दिया जाता है, जो समावेशन की भावना के ही अनुरूप है, जिससे शिक्षा प्रौद्योगिकी से वंचित पिछड़े बच्चों को क्षमता प्रदर्शन का समान अवसर मिलता है। अगर हम देखें कि वर्तमान समय में तो UGC द्वारा देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट आयोजित किए जाने का निर्णय NEP 2020 से ही प्रेरित है। सभी को जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील बनाना तथा इसके पाठ्यक्रम को समावेशित करना। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 की सिफारिशें जो भी हैं वो सभी शामिल की गई हैं। NEP 2020 में गुणवत्ता युक्त
समतामूलक व समावेशी शिक्षा के संबंध में एसडीजी गोल 4 2020 का जो लक्ष्य है उसमें भारत 2015 से शामिल है को भी लक्षित किया गया है। सभी सिफारिशों के लागू किए जाने की बेहतर क्रियान्वयन की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय मैम डॉक्टर आकांक्षा सिंह और शिक्षा शास्त्र विभाग के सभी आदरणीय शिक्षकों को और आप सब